हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं वेल्थफुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर्स अनप्लेस क्या होता है, शेयर्स को अनप्लेस कैसे करते हैं, अनप्लेस करने की रिक्वेस्ट का स्टेटस कहां चेक करते हैं और लास्ट में हम जानेंगे शेयर्स को अनप्लेस करने के क्या चार्जेज है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स अनप्लेस क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, मार्जिन प्लेस क्या होता है और शेयर्स की प्लेसिंग कैसे करते हैं, तो दोस्तों आई बटन में या वीडियो के एंड में आपको मार्जिन वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स में या वेल्थफुल के टेलीग्राम चैनल पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेयर्स अनप्लेस क्या होता है। शेयर्स अनप्लेस करने का मतलब है आपने प्लेस करते टाइम ब्रोकर से जो एक्स्ट्रा लोन लिया था वह लोन आपको माइनस में शो होता है। अनप्लेस करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा लोन लिया था वह ब्रोकर को पे हो जाता है और प्लेस करने के बाद जो अमाउंट माइनस में चला गया था वह अमाउंट शेयर्स अनप्लेस करने के बाद T+2 डेज में अनसेटल हो जाएगा और आपका माइनस में शो होने वाला अमाउंट सेटल होकर जीरो हो जाएगा। या T+2 डेज में T का मतलब ट्रेड डे होता है। जिस दिन आपने शेयर्स को बाई या सेल किया है वह ट्रेड डे होता है। ट्रेड डे के अगले 2 दिन बाद आपका अमाउंट सेटल होता है। T+2 डेज में सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज काउंट नहीं होते। अब हम बात करते हैं शेयर्स को अनप्लेस कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको फंड्स पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लेस होल्डिंग्स पर क्लिक कीजिए या आपको विड्रॉ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिन स्टॉक्स को अनप्लेस करना है उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ मार्जिन में कोई भी स्टॉक नहीं ले रखा है, इसलिए यहाँ नो स्टॉक अवेलेबल शो हो रहा है। अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपके स्टॉक्स T+1 डे में अनप्लेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनप्लेस करने की रिक्वेस्ट का स्टेटस कहाँ चेक करते हैं। आपको यहाँ फिर से फंड्स में जाना है, यहाँ प्लेस होल्डिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मार्जिन ट्रेडिंग प्लेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप अपने सभी अनप्लेस ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं शेयर्स को अनप्लेस करने के क्या चार्जेज है। जब आप शेयर्स को अनप्लेस करते हैं तो पर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ₹20 प्लस GST चार्ज लगता है। ये चार्ज अप्रोक्स ₹23.60 लगते हैं। यह पर स्क्रिप्ट का मतलब है एक पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे कि रिलायंस, HDFC, SBI एक्सेट्रा, ये सभी अलग अलग स्टॉक्स हैं। इसे आप ऐसे समझिए, रिलायंस एक स्टॉक है और जब रिलायंस के स्टॉक में क्वांटिटीज में बाई करते हैं तो उन क्वांटिटीज को शेयर्स कहते हैं। आप चाहे एक शेयर को अनप्लेज कीजिए या 100 शेयर्स को अनप्लेज कीजिए, आपका अनप्लेज चार्ज ओनली ₹23.60 लगेगा। अगर आप रिलायंस और HDFC के स्टॉक्स को अनप्लेस करते हैं तो रिलायंस और HDFC का अनप्लेस चार्ज ₹23.60 प्लस ₹23.60 अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग लगेंगे। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में बिगनर है तो आप वेल्थफुल चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इस चैनल पर आपको बिगनर्स को होने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और शेयर मार्केट के बेसिक लर्निंग वीडियोज मिलेंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद आप बहुत से हिडन चार्जेस और टैक्स से बच पाओगे। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगे तो वेल्थफुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अगर आप बिगनर्स के तौर पर बेस्ट ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहाँ चार्जेस कम लगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बेस्ट ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।